Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the answers of class 6 math question paper. So ये video class 6 जो बच्चे paper देखे हैं उनके लिए तो helpful होने वाली है, साथ में जिनका exam है उनके लिए भी helpful होने वाली है जिनका evening shift में exam है, ठीक है। तो सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखना, लास्ट तक देखना ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। पेपर का पैटर्न आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक सेक्शन वन में 18 क्वेश्चन है टोटल, सेक्शन वन, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस एंड 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, तो उसका व्यास ही जो होता है वो एक सबसे बड़ी जीवा होती है जो डायमीटर होता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्ण माना ओ में कितने समकोण बनते हैं, तो ओ ऐसे होता है, तो ओ में कितने समकोण बन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 दिया है, पर 4 नहीं हो सकते, इसलिए 2 आंसर सही होगा हमारा। फिर अथवा में था 9 बजे की घड़ी सुई द्वारा बनाया गया कौन, 9 बजे की घड़ी जो की सुई होगी, जैसे ये क्लॉक है, ये हमारा 9 पे हमारा बड़ा और ये छोटा वाला होगा, तो ये इस पर हमारा क्या बनता है, ये राइट एंगल बनता है, ठीक है, 90 होता है ना राइट एंगल, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। फिर निम्न में सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अगर ये पूछता तो प्लस, अगर नेगेटिव पूछता तो ये हो जाता, लेकिन धनात्मक पूछा इसलिए सबसे छोटा 1 होगा, ठीक है। फिर पूर्णांक -3 का पूर्ववर्ती क्या है, मतलब इससे पहले क्या आएगा, तो -3 से पहले क्या आएगा, -4 आएगा, क्या आएगा, -4 पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो -4 होगा, ठीक है, प्रीसीडर परवर्ती पूर्ववर्ती, ठीक है, हाँ, तो पहले वाला -4 होगा। फिर उसके बाद हमारा एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन था, इजी माइनस करना था, तो माइनस करने पे क्या आएगा आंसर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइनस करने पे इसका ये आएगा। 3 विभिन्न त्रिभुजों की कुल भुजाएं कितनी होंगी, जो 3 त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुजों की कुल भुजाएं कितनी होंगी, 3 त्रिभुज में कुल भुजाएं 1, 2, 3 होती हैं, ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर 2 क्रमागत उंगलियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो जितना भी आप कर लो उंगली ऐसी बनेगी जो कि 90 से कम होगी, 90 से कम क्या होता है हमारा, न्यून कोण होता है, ठीक है, न्यून कोण। फिर 3 शतांश और 4 दशांश, दशांश पहले आता है, शतांश बाद में आता है, ठीक है, तो 4 दशांश मतलब ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 108 और 25 इसको डिवाइड करने पे 4.32 आ रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 1.75 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको नीचे 100 आ जाएगा, दो नंबर पॉइंट के बाद काट देंगे तो ये ऊपर 8 आएगा, नीचे 3 आएगा, बट ये ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, 4 सॉरी हाँ ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्यों, ऊपर 7 आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा, नीचे 4 आएगा, तो 7/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/4/2, ठीक है, तो ये आंसर 1/5/3, तो 1/4 जो 4 और बाकी 3 ऐड कर देंगे तो 7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ये तो हमारा इजी क्वेश्चन था, इसमें से देख के आंसर्स बताने थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड, तो रविवार को सबसे ज़्यादा बॉटल बेची गई। फिर ऑन विच डे लीस्ट नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड, तो सबसे कम कब बेची गई, तो ये वीरवार को बेची गई। फिर 6 दिनों में बेची गई बॉटलों की संख्या, तो इन सबको टोटल करने पर 7,350 आ रहा है आंसर, ये राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये वाला हमारा सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, रविवार और बुधवार को बेची गई बॉटलों की संख्या कितनी थी, तो रविवार और बुधवार को टोटल करने पर क्या आ रहा है, 2600 रुपये आ रहा है, ठीक है, सॉरी 2600 बॉटल। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की 45 किलोमीटर चाल से, ठीक है, तो इस यात्रा द्वारा दिखाए गया मतलब क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, तो इसमें लिखा गया है किस दिन सबसे अधिक बॉटल बेची गई, अरे ये तो रिपीट हो चुका है, ठीक है, एक बार आगे कर देता हूँ, सेम फोटो आ गई है, हाँ ठीक है, ये मैप दिया हो गया है कुछ कि हाँ एक बस स्टार्ट करती है कहाँ से, ए से स्टार्ट होती है, बी, बी से सी, सी से ये, और ये टाइम गिवन है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए। ए से सी में जाने में लगा समय, ए से सी में जाने में जो समय लगा उसको टोटल करके ये आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है, जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड का जो राइट आंसर होगा 49/30 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी द्वारा तय की गई दूरी, अब देखो इसमें दूरी पूछा है, तो हमें दूरी का फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड हमारी 45 दी थी, इंटू कर देंगे टाइम से, टाइम क्या है 7/3, 3 को 45 से एक डिवाइड देंगे तो 15 आएगा, 15 7 जाए कितना होता है 105 राइट हो जाएगा। 8/5 का दशमलव होगा 1.6, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा ये बताना था, तो देखो 8/5 इन दोनों में से होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाला कम है, ऊपर वाला कम है, तो ये हो नहीं सकती, ये दोनों पॉसिबल नहीं, ये दोनों है, इसका हमने निकाला 1.6 आया, अब 3 को 7 से देंगे तो 2 समथिंग आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। फिर फिल इन द ब्लैंक्स था कि एक संपूर्ण घूर्णन का माप कितना होगा, तो कोई भी चीज़ अगर यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा चक्कर लगाएगी तो एंगल कितने का बनेगा, 360 का बनेगा, 360 आंसर राइट हो जाएगा। फिर
वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर होता है तो क्या होता है, दो समकोण क्या होता है, ऑब्स्टिट्यूस एंगल होता है। फिर आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। फिर षटकोण में कितने भुजाएं होते हैं, तो षटकोण में 6 भुजाएं होती हैं, टोटल 6 साइड्स होती हैं। हेक्सागोन जो होता है उसमें 6 साइड्स होती हैं। एक अधिक कोण सदैव किससे बड़ा होता है, एक अधिक कोण सदैव 180 से बड़ा होता है, ठीक है। अधिक कोण जो होता है, ऑब्स्टिट्यूस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं मैच करना था, तो इसमें देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है हमारी, पैरेलल वाला सबसे नीचे, ये हमारा रेखाखंड है और ये हमारा रेखा है, ठीक है। तो ये आंसर राइट हो जाता। फिर आकृति में बताना था पैरेलल कौन सी है, पैरेलल लाइन हमारी डीसी पैरेलल टू एबी है, डीसी पैरेलल टू एबी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमें क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज करना था, ठीक है। तो इसका 10, 8, 0 और -7 राइट हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। फिर -17 से बड़ी दो पूर्णांक बतानी थी, राइट, टू इंटीजर ग्रेटर देन -17, तो -17 से ग्रेटर। अब देखो बच्चे गलती करते हैं, लाइक -17 से उल्टा -18 करेंगे, तो -18 जो है हमारा वो छोटा होता है, ठीक है, माइनस में उल्टा जाना होता है, तो -16, -15 हो सकता है, तो बाकी कुछ भी लिख सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, इसमें देखो इसमें बताना था कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे सबसे पहले 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है -1 और यहाँ पे -2, तो -2 से हमें क्या, -7 पे जाने के लिए हमें कौन सा साइड जाना होगा, लेफ्ट साइड जाना होगा, कौन से, लेफ्ट साइड। बाकी कुछ क्वेश्चन थे ये हमारे ये थ्योरेटिकल थे, वक्र क्या होता है, बंद्र वक्र ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, खुला वक्र क्या हो जाएगा, लाइक ऐसे ऐसे करके मैंने ऐसे बना दिया, खुला वक्र हो गया, ठीक है। फिर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परिवर्ती बताना है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 10 होती है, 10 का परिवर्ती बताना है, परिवर्ती मतलब सक्सेसर, तो इसका 11 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है, 11 और 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या का परिवर्ती बताना है, तो इसका हो जाएगा 100 और 101 होगा। फिर 25 और 68 को रोमन नंबर में लिखना था, इजी क्वेश्चन था। फिर 3/5 और -3/20 का एलसीएम लेना था, तो इसका एलसीएम 20 आता है, 5 की टेबल 24 टाइम्स आता है, 12 -3, ठीक है, 12 में से 3 गया तो हमारा 9/20 राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको भी सॉल्व करना था, ये भी इजी है, फ्रैक्शन लेके से एलसीएम आता 6, ठीक है, यहाँ 5 आता है, यहाँ पे 6 आ जाता है, -1/6 इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी ये सब क्वेश्चन करने थे, लेकिन इनको ऐड करना था, इजी क्वेश्चन था, ऐड कर सकते थे सबको। फिर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो एक सेंटर लेना था, 5 सेंटीमीटर का वो करना था और उसको ऐसे करके बना देना था, ये हमारा बन जाता। फिर इसके बाद रूलर स्केल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना था, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें एक लाइन खींचनी होती है, ऐसे लाइन खींचा, यहाँ पे हमने एक कट लगाया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने यहाँ से कट लगाया, मिला दिया, तो 90 डिग्री का ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या करना था, संख्या रेखा पे खींचना था एक नंबर लाइन, यहाँ पे 0 से स्टार्ट, माइनस इधर, प्लस इधर, ये हो जाता, ठीक है। तो होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, किसी में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।